हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अपारम, जहां मैं पूरी क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स कवर कराऊंगा। अभी अपन चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर सेकंड है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अपन आज के टॉपिक में ग्राफ के माध्यम से लाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लिखा है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले लेट कर लें, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है होगी, सॉल्व करने के लिए दो क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी, देखो पहली होगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारी पहली क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये दूसरी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को सॉल्व करना है किससे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ये लाइन पहली वाली एल वन हो जाएगी, दूसरी वाली एल टू है। ठीक है, पहली लाइन क्या है, एल वन है, दूसरी लाइन क्या है, एल टू है। देखो लाइन एल वन एल टू होने के बाद केस बनेंगे, तो पहला केस क्या है, देखो फर्स्ट केस हमने माना है व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे, तो ये लाइन एक एल वन गई, एक लाइन क्या गई, एल टू गई, ये इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्टिंग में समझ रहे हो ना, एक एल वन ये एल टू, लाइन क्या है, एल वन एल टू है। ठीक है, लाइन क्या है, एल वन एल टू है। तो देखो बच्चा ये ग्राफ बना हुआ है, अच्छा ग्राफ बनाना है हमको। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, अब लाइन बोला इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन देखो हरदम क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में बनेगी, एक ये लाइन चली गई मान लो, क्योंकि पॉइंट हमारे पास आएंगे तो कुछ भी एक लाइन बना लेगा आसानी से इजिली। ठीक है, एक लाइन ये चली गई आ गई, एक ये है एक ये है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट पी मान लिया हमने, इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अल्फा और बीटा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखेंगे अब यहाँ पे ये तो लिख दिया, व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है L1 है एट अ पॉइंट। ठीक है, लाइन की इक्वेशन L1, एक L1 है एक बेटा L2 है। ठीक है, पहली वाली देखो ये L1 है ये L2 है, जो इंटरसेक्ट करेगी क्या होगा, लिख देते यहाँ पे लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एश शोन इन द फिगर। ये भैया फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अल्फा एल वन एल टू को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पी ने, जिसका नाम क्या है, अल्फा बीटा नाम है। देन पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में होता है ना, पहला वाला क्या होता है, दो कॉमा थ्री लिखा है, तो पहला वाला क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस एंड थ्री रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस। यहाँ पे अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, तो नाइन्थ क्लास पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, टू कॉमा थ्री लिखा है तो दो क्या हो गया, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन क्या होगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पांच कॉमा चार लिखा है तो पांच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, चार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो अल्फा किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को, यहाँ पे लिखे
एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू बीटा इज द, अब लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर चुकी है, किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, लिख सकते हैं देन एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू बीटा इज द यूनिक यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ आया? जब लाइन पहला कैसे बनाया हमने, जब लाइन क्या करे इंटरसेक्ट करे दूसरे पॉइंट को, तो L1 L2 हमारे पास दो लाइन है। ठीक है बच्चा, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा जो रिप्रेजेंट करेगा वो एक्स एक्सिस करेगा और बीटा जो रिप्रेजेंट करेगा वो वाई एक्सिस करेगा। तो अल्फा और बीटा जो पॉइंट आए हैं वो क्या हो जाएगा, एक यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा अगर इस लाइन में कुछ और जगह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लाइन कहीं और से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, एक ही पॉइंट पर करेंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट एक ही स्पेस पर करती है, एक ही पॉइंट पर करती है। ठीक है, कहीं और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे ना, इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से क्या करेंगे, यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं और नहीं जाएगी लाइन। ठीक है, अब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब देखो एक इस डायरेक्शन चली गई है और एक इस डायरेक्शन चली गई है, तो दोबारा कभी मिलने का इसको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, दोबारा कभी ये नहीं मिलेगी। ये पहला केस आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा केस जब बनाएंगे जो तो कोइंसाइड हो, व्हेन L1 एंड L2, व्हेन L1 एंड L2 आर कोइंसाइड, कोइंसाइड कोइंसिडेंट। ठीक है, एक ही बात होती है, L1 एंड L2 कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे दोनों हो। ठीक है, दैट इज L1, दैट इज ऑल्सो L2, ये अपना ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, तो वाई डैश है। When the graph line L1 and L2 are, when L1 and L2 line are coincide, when L1 and L2 are the, when the graph L1 and L2 are coincident, ठीक है, the given system of equation has infinite many solution। अच्छा बच्चा, इसका many solution क्यों है, इसका एक single solution क्यों आ रहा है, unique क्यों आ रहा है, जब इस लाइन में करना unique solution क्यों आ रहा है और इसमें infinite solution क्यों आ रहा है। अच्छा देखो, वहां पे लाइन जो कर रही थी एक इस पॉइंट पे सिर्फ कट कर रही थी, देख रहे हो ना पॉइंट यहाँ पे सिर्फ कट कर रही थी, इस जगह पे एक जगह कट कर रही थी, ये लाइन L1 इधर भी जा रही है और L2 भी इधर ही जा रही है, दोनों यहाँ पे एक जैसे हैं। देखो जैसे ये समझ लो पेन है, L1 भी इधर, ये L1 लाइन है, ये L2 वाली समझ लो, ये क्या है, ये L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। ठीक, L1 और L2 दोनों ही ऐसे जा रही है, ऐसे ये भी इधर क्यों भाग रही है और इधर भी एक ही इसी पॉइंट को भाग रही है। सोल्यूशन कितने मिलेंगे इसके, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे के पास ही है ना, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही, नहीं कर पा रही कहीं भी किसी भी प्लेस पर, दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे देखो ऐसे एकदम है, तो क्या हो जाएगा, मैनी सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ भी देखो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी कर दूसरे को, यहाँ भी कर रही है, आएगा हाँ, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे के ऊपर चढ़ी ही जा रही है, दूसरे के ऊपर चढ़ी ही हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, कोई एक सोल्यूशन तो है नहीं। ठीक, ये लाइन बन गई, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये लाइन L1 L2 का। ठीक है, अब केस थर्ड की बात करते हैं, व्हेन व्हेन एक नहीं रहा होगा रेड कलर आपको, व्हेन L1 एंड L2 लाइन आर पैरेलल। अच्छा पैरेलल मतलब पता है कि नहीं पता है, पैरेलल ये समांतर, समांतर
समांतर, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर होता है। वेल L1 L2 आर पैरेलल, इन दिस केस लिख रहा हूं, इन दिस केस देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लाइन L1 एंड L2, ठीक है। अब इधर देखो बस सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा कहीं भी ये मिल ले रही है। देखो ये लाइन गई है, ठीक है, L1, और इसी के साथ तुमने ये बना दी L2। देखो ये L2 हो गया, ये L1 हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल क्या समझ रहे ना। देखो ये जा ही रही है, ऐसे ऐसे जा ही रही है, ये क्या कर रही है, ऐसे जा ही रही है और कहीं पे मिल ले रही है। जब कहीं पे मिलेगी नहीं तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सोल्यूशन नहीं देगी। सोल्यूशन क्यों नहीं देगी किसी पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगी बच्चा ना, इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है तभी वो सोल्यूशन देगा, ठीक है, तभी इसके एक फिक्स लोकेशन को हम फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज किसी लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब ये पैरेलल जा रही है, देखो जब पैरेलल जा रही है तो क्या हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। जब इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, और जब कोइंसाइड कर रही है तो मैनी सोल्यूशन आएगा। समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, फिर देखो जब इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, जब इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, जब कोइंसाइड करेगी ये लाइन क्या हो जाएगी, एक साथ जा रही हो, ऐसे ही जा रही हो, ऐसे ही जा रही है, बढ़ रही हो, ऐसे ही बढ़ रही हो, ऐसे ही बढ़ रही हो, क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। जब लाइन पैरेलल हो, देखो ये पैरेलल क्या हो गया, ये पैरेलल पैरेलल बढ़ रही है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो एनी सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइए समरी समझ, तीनों पर समझ में आ गए, केस 1 2 3 फिर से बताऊं। जब पहला केस है जब इंटरसेक्ट करेगी तो ये यूनिक सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्ट करेगी क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को चढ़ के जा रही है ऐसे लाइन, तो मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो पैरेलल होगी, पैरेलल ये देखो पैरेलल जा रही है, पैरेलल पैरेलल देखो ऐसे जा रही है पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल जब जा ही रही है इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, लिखा जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है, इसके कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो आई होप ये तीनों केस समझ में आ गए होगा आपको, अब क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया गया, अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x+2y=3 एंड 4x+3y=2। ये दो लाइंस दी गई हैं, क्या करना है, दो लाइंस दी गई हैं, इनको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके लाना है, क्या करके लाना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करके लाना है। देखो तो x+2y=3 दी गई, ये पहली इक्वेशन है हमारी, ठीक है। अब देखो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज निकाल के लानी पड़ेगी ना, कुछ वैल्यूज निकाल के लानी पड़ेगी, कितनी निकाल के लानी पड़ेगी, मतलब अब यहाँ पे टेबल बनेगी, एक एक्स की टेबल बनेगी, एक वाई की टेबल बनेगी, एक ऐसे टेबल बनेगी। अब एक्स की कुछ वैल्यू पुट करने पर वाई की वैल्यू जो आ रही होगी उसको ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम जीरो पुट करके देखें, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, एक्स बराबर जीरो पुट कर रहा हूँ मैं, एक्स बराबर जीरो ये रफर के बटे एक्स बराबर जीरो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 2y=3 बचा कि नहीं बचा, तो y=2 क्या बच गया, 3/2, y=2 क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है, मतलब जीरो पे कोई वैल्यू अच्छे से नहीं में आ रही है, 3/2 आ रही है। जब x बराबर 1 रखो, चलो जब x बराबर 1 रख रहे हैं अपन, तो 2y=2 क्या जाएगा, 3-1 आएगा इधर कि नहीं आएगा, देखो 3-1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे 1 यहाँ पे रखोगे तो कौन सा इधर करके दिखा, देखो जीरो पे तो कोई वैल्यू अच्छे से आई नहीं, ठीक है, जीरो वैल्यू कोई आ गई, एक्स बराबर 1 रख रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास x+2y=3 है ना, तो यहाँ पे 1 रखो, +2y=3, तो 2y=3-1 दैट इज 2, तो 2y=2 आ गया, और वाई इक्वल टू बच्चा क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब जीरो पर रखने पर एक्स की वैल्यू 1 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। जब एक्स बराबर 1 रख रहा है वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब क्या करोगे, एक्स की कुछ दूसरी वैल्यू रखो जिससे हमारे वाई की वैल्यू आ जाए ना, यहाँ पे 1 की जगह क्या रखोगे, 1 की जगह 2 रख के देखें या 3 रख के देखें, 3 रख के देखते हैं,
ठीक है, तो दो रख के देखो भैया, जब लाइन से कर रहे तो लाइन से करके देखो, यहाँ पर टू रखोगे तो टू वाई इज इक्वल टू थ्री, टू वाई इज इक्वल टू वन आ गया। देखो थ्री माइनस टू करोगे ना, दो यहाँ प्लस का बच्चा यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, तो टू वाई इज इक्वल टू ये आ गया, तो वाई इज इक्वल टू वन बाई टू आ रहा है। ये प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अभी इसको छोड़ दो। तीन रख के देखो यहाँ पे, ऐसे ये जो निकाले इसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अभी ग्राफ या प्लॉट नहीं करोगे, सिंपल सिंपल से कोई पॉइंट लेंगे अपन। तीन लो तो थ्री प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, तो टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब तीन रखने पर, प्लस का तीन रखने पर वाई की वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, अब माइनस का तीन ले लो। अच्छा एक बार माइनस का तीन लो, यहाँ माइनस का तीन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का तीन इधर जाएगा तो यहाँ पे जीरो की जगह क्या आ जाएगा, ये तीन इधर जाएगा, तीन ये तीन तीन, प्लस का तीन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिक्स अपॉन में टू दैट इज थ्री, सिक्स अपॉन टू आएगा दैट इज थ्री। मतलब माइनस तीन अगर हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चा, वाई की वैल्यू तीन आ रही है। अच्छा माइनस वन रख के देखो एक बार, क्योंकि वन पे सोल्यूशन दे रहा है, वन तीन पे दे रहा है जीरो, मतलब तीन पे आना चाहिए। देखो तो दो पे तो आएगा, तो माइनस वन लेके देखो एक बार, देखो क्या करूँ, माइनस वन लेके देखो सोल्यूशन में, क्या करो माइनस वन लो, खुद से करो, तो ट्राई करो बच्चा, खुद से भी ट्राई करो कुछ थोड़ा बहुत करने का। वाई इज इक्वल टू माइनस का वन लो, माइनस का वन हमने ले लिया, तो माइनस का वन हो जाएगा प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, तो टू वाई इज इक्वल टू थ्री बेटा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर अपॉन में टू, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टू आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम माइनस की वन ले रहे हैं वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, दो आ रहा है। दो तीन लाइन आ गया, सफिशियंट है अपने सोल्यूशन के लिए, अपने अपन ड्रॉ कर लेंगे उसको इजीली। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे, दूसरी क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करें आप। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरी क्वेश्चन है फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, सॉल्व करते हैं इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ ना। दूसरी क्वेश्चन क्या है, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, नहीं दूसरी इक्वेशन है। ठीक है बच्चा, तो दूसरी इक्वेशन है जैसे पहले वाले को किया था वैसे इसको भी करो, ये एक्स ले लो ये वाई ले लो, यहाँ पर क्या करोगे, टेबल प्लॉट करोगे। टेबल प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं, आपको क्या करना है, हल्का सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू दिया गया है, तो जब इसको एक्स बराबर जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, थ्री वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू बाई थ्री। इसको प्लॉट करना इम्पॉसिबल है अभी अपन के लिए, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अभी इसको ग्राफ पे अभी प्लॉट आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, वन रखो, चलो अच्छा जीरो हो गया, वन रखो, एक्स बराबर क्या रखोगे, वन रखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। देखो करके देखो, जब एक्स बराबर माइनस प्लस का वन ले रहे हो, ठीक है, तो फोर इंटू वन प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, थ्री वाई इक्वल टू जगह टू माइनस का फोर इज इक्वल टू माइनस का टू अपॉन में थ्री आ जाएगा वाई की वैल्यू। बेटा ये भी क्या है, कोई प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, अब माइनस वन लेके देखो एक बार। अच्छा क्या करो, एक्स का वैल्यू क्या करोगे, माइनस वन रखोगे, तो फोर माइनस का वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू, ये बेटा माइनस का वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू, तो थ्री वाई इज इक्वल टू, देखो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा फोर हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन में थ्री, तो वाई इज इक्वल टू टू आ जाएगा। बच्चा हम माइनस, जब एक्स का वैल्यू माइनस वन ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू माइनस वन ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, दो आ रही है। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन ले रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, बच्चा दो आ रही है। अब कुछ और लेंगे ना, अब देखो खुद से दिमाग लगाओ, ऐसा क्या है कि थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिजिट ढूंढो इस तरह, ऐसा इसको इस तरह बनाओ, तो चार लेके देखे माइनस का, माइनस को चार लेके देखो, माइनस का चार लेके देखो, फोर माइनस का फोर प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू। माइनस का चार क्यों लिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो चार को सोलह होता है, सत्रह अठारह हो जाएगा ना, एट्टीन हो जाएगा, और थ्री से एट्टीन डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस का फोर लेके देखा है। माइनस का फोर हो गया, प्लस का थ्री वाई इज इक्वल टू हो गया, तो थ्री वाई इज इक्वल टू एट्टीन हो गया, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर माइनस का फोर
आंसर वाई बराबर 6 आ गया है, ठीक है। इसको फिर से इरेज कर दो। अब देखो क्या बच्चा लोगे, अब इतना ज्यादा बड़ी संख्या लेते जाओगे तो बड़ा होता जाएगा उधर। अब दो लेके देखो, एक पे तो आया नहीं था आंसर, ठीक है, प्लस का एक बार आ नहीं रहा है। अब दो लेके देखो प्लस का एक बार, प्लस का दो ले रहे हैं अपन, 4 2 8 हो गया, प्लस 3y = 2 हो गया, 3y = क्या हो जाएगा 2, माइनस का 8, देखो माइनस का 6 हो गया कि नहीं हो गया, 3y हो गया, y = -2 आ रहा है, जब प्लस का 2 लेंगे -2 आ रहा है। तीन तीन पॉइंट सफिशियंट है किसी भी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पेपर आता है, आप इसको खरीद लीजिए मार्केट से जाके, स्टेशनरी के शॉप से, उस ग्राफ पे आप प्लॉट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फेयर वर्क करते जाओ, सबसे मस्त वाला काम है, फेयर पे काम करो, सबसे बढ़िया काम है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अपन देखो इंक चेंज करके समझाने आता हूँ मैं आपको। ये हो गया बच्चा, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। ये अपना क्या होता है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं डेट इज ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, जब पहले वाले को सॉल्व किया तो 1,1 आया, ठीक है, 1,1 आया, तो ये हो गया 1,1, ठीक है। दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है 3,0, 3,0, उसके बाद -3,3, -3,3, और फोर्थ नंबर पे जो आया है -1,2, -1,2। तो ये पहली क्वेश्चन सॉल्व करने से आया है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या क्या आया है देखो जरा, देखें जरा, -1,2, ठीक है, -1,2 आया है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर आया है -4,6, -4,6, यस सर, आगे बढ़े बेटा, 2,-2, 2,-2। अब इसको क्या करना है, अब इसको इजीली प्लॉट करना है, ठीक है बच्चा। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 6 हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा अपन। इधर भी 1, 2, 3, 4, 8, 6, इधर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कितना हो गया कि नहीं हो गया, पहला पॉइंट बनाओ बेटा, 1,1, 1,1 बनाना है, कैसे बनाओगे 1,1। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूं क्या मैं भी इसको, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए जस्ट मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा तो बता, ग्राफ पेपर के लिए चलो ये क्वेश्चन ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, तो फिलहाल ये वाला ऐसे ही करना पड़ेगा। 1,1 देखो ये आ रही है, ये 1 है, इधर 1 है, दैट इज 1,1, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम ग्राफ पेपर पे करके बताएंगे आपको, ठीक है। 1,1 हो गया, ठीक है, 3,0 बच्चा, दूसरे पर 3 यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 3,0, ये जो पॉइंट आया है ना येलो वाला, दैट इज 3,0 बेटा, 3x, x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 0 है, -3,3, -3,3, ठीक है। तो -3 कहाँ जाएगा बच्चा, ये तो -3 हो गया, ये वाला -3,3, ये वाला 3 आ गया, ये प्लॉट करेंगे, डी 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 मिला दिया -3,3, ठीक है। अब क्या करो, -1,2, -1 ये जा रहा है, 2 ये जा रहा है, दिंग 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 दिंग, ये हो जाएगा -1,2, ठीक है। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये लाइंस बन रही है, -3,3, -1,2, 1,1, 3,0, तो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो अपने पास ये लाइन बन गई, देखो पहले वाले सॉल्व करने से, पहले सॉल्व करने से ये लाइन बनी है, येलो वाली जो लाइन गई है, इक्वेशन क्या थी लाइन की, x + 2y = 3, ठीक है, x + 2y = 3। बच्चा इसको लाने से
ये क्वेश्चन, ये लाइन बन रही है, ये येलो लाइन लग रही है ना, ऐसे कैसे जा रही है, ऐसे वही है अपनी। ठीक है, ये क्या है दूसरी वाली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 16 रुपया पेन का इंक चेंज कर दी, ये बच्चा चेंज कर दे रहे हैं, चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या इधर देखो, -1, -2। ठीक है, -1 ये जा रहा है, -1, -2 ये पॉइंट अपना बना है, -1, -2 ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चा, -1, -2 ये देखो ब्लू लाइन से करा है, ध्यान से ब्लू डॉट। ठीक है, -4, -6, -4, -6, -4, -6 ये 6, तो -4 ये जा रहा है। सर ये कहाँ तक जाएगा बच्चा, इसको पता नहीं है, प्लॉट करो ना तब पता चलेगा। ठीक है, -4, -6 ये क्या है, -4, -6 ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या है, 2, -2 ये 2 आ गया, -2 निकाल जाएगा, डिग्री डिग्री नीचे जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 हो गया है, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा ऐसे, डिग। ठीक है, ये आया कि नहीं आया, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ बच्चा, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट मिलाओ, इसके बाद ये वाला पॉइंट भी मिलाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, मिलाओ जरा बच्चा, ये वाला इसके साथ, थोड़ा तो ड्राइंग थोड़ा कमजोर है, इसके बाद ये वाला देख रहा, देख देख ऐसे मिलेगा ना, है बच्चा ये स्ट्रेट लाइन ही, समझने की कोशिश करना कि है स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अगला वाला क्वेश्चन मैं ग्राफ पे करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा शायद से गड़बड़ ना हो। ठीक है, खींचो खींचो खींचो, ये देखो तुम जल्दी से ड्रॉ कर लेना, तो समझ लेना चाहिए हमको। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये आया, ये आया, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ये जा रहा है 2 वाला, ये गया यहाँ ऊपर, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक लाइन ये बन रहा है, अगली लाइन अपने पास ये बन रहा है, समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा। देखो एक लाइन ये बन रहा है और एक लाइन ये बन रहा है, 2 लाइन बन रहा है, और दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चा एक पॉइंट पे, जो तुमको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा सा, ये देखो ये व्हाइट कलर से कर लेते हैं, ये पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पर दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ, द टू ग्राफ लाइन, द टू ग्राफ लाइन, टू ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट -1, -2। ठीक है, -1, -2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, हेंस -1, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हेंस हेंस एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ आया बच्चा, एक्स बराबर -1 वाई बराबर 2 जो होगा वो क्या करेगा, उस इक्वेशन का जो लाइन दी गई है उस इक्वेशन का ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसी तरीके का कराऊंगा जिसको मैं लेकिन ग्राफ प्लॉट करूंगा, थोड़ा थोड़ा शायद आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा सा प्यारा समझ में आएगा।